टेक फॉर एक्सट्रीम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं अब वीडियो की तरफ। वेलकम टू दिस वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोफेशनल गेमिंग थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करते हैं तो आप इस ऐसा थंबनेल नहीं बना सकते, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले हमें लेना है टेक्स्ट। तो यहाँ पे मुझे एक फ्रेंड के लिए जो है यहाँ पर थंबनेल बनाना है, तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि थंबनेल जो है कैसे बनाए जा सकते हैं फ़ोन पे। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट लिखूँगा जिसके गेम का भी है हमारे यहाँ, इसको वैलोरेंट का चाहिए तो मैं यहाँ पर वैलोरेंट लिख रहा हूँ। और अब मैं चूज़ करूँगा फॉन्ट्स। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, मैं कोई सा अच्छा फॉन्ट जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए, मैंने इस फॉन्ट को जो सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको आना है, अब इसको करना है आपको ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड आपको हटा देना है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको पहले से अल्ट्रा, इसकी रखनी है डायमेंशंस से 2000। तो यहाँ पर मुझे दो टेक्स्ट चाहिए, एक तो उसके नाम का और एक जो है गेम का चाहिए था। गेम का यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उसका नाम। ठीक है, ये लिखा मैंने उसका नाम। तो यहाँ पर मैं कुछ और इसमें रखूँगा टेक्स्ट, यहाँ पर मुझे विद भी लिखना था, एक यहाँ पर हम विद भी लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये जो हम फिर एडजस्ट करेंगे अगले ऐप में। तो ये जो ऐप है ये है पिक्सल लैब। तो आपको पिक्सल लैब चाहिए और चाहिए पीएस टच, दोनों ऐप जो है ज़रूरी है। तो इसका भी हम फॉन्ट कर लेते हैं चेंज, और यहाँ पे हमने फॉन्ट किया चेंज को, ये और अच्छा है, ये ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों जो है टेक्स्ट वो सेव हो चुके हैं, मतलब दोनों टेक्स्ट जो है ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तो चलते हैं हम अब अगले में इस ऐप में जो कि है पीएस टच। तो देखिएगा, इस मैंने बहुत सारे थंबनेल बनाए हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं सारे। तो चलिए अब बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको करना है ब्लैक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर आपको लिखना है 1080x720 हो गया। नहीं, ये तो थोड़ा सा हो गया। तो यहाँ पे जो है आपको साइज चेक करना है पहले, यूट्यूब के थंबनेल का क्या साइज़ है वो साइज़ आपको यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी है एक बनाया हुआ, अब वही ले लेता हूँ। अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा कि यूट्यूब का थंबनेल का साइज़ क्या है, और फिर आपको लिखना है। यहाँ पर जो है यूट्यूब का साइज़ है, तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को कर लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नया बैकग्राउंड लाऊंगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बैकग्राउंड हैं, तो मैं कोई बैकग्राउंड 600 सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट इस वाले बटन सेलेक्ट कर। तो यहाँ पे मैं ये वाला जो बैकग्राउंड ले रहा हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं, और आपकी मर्जी है कि आप कौन सा बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। ये ठीक लग रहा है, इसमें थोड़ा सा ओपेसिटी में इसकी कम कर दूँगा थोड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लाता हूँ करेक्टर।
जैसे अगर आप पबजी लेते हो तो पबजी का कैरेक्टर, अब यहाँ पर एक वैलोरेंट है तो मैं वैलोरेंट का कलर कैरेक्टर इसमें ला रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे हो रहा है ये बड़ा है इस पर। तो अब मैं दिखाता हूँ कि आप इसके जो साइज एजेस हैं उन पे आप कैसे जो है ग्रोइंग इफेक्ट ला सकते हैं। तो सिंपल ट्रिक है काफ़ी, आपको करना है एम्प्टी लेयर, एम्प्टी लेयर दिख रही है क्लिक। तो आपने जिस लेयर पे सिर्फ कैरेक्टर को डाला है पहले उसको उस पर टैप करना है, और फिर ऊपर जो ऑप्शन जाना है वहाँ पर आपको सिलेक्टिव पिक्सल कर लें। सिलेक्टिव पिक्सल देखे आप सेलेक्ट हो गए पिक्सल, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको स्विच होना है इस पर एम्प्टी लेयर पे, और उसके साथ डिसलेक्ट नहीं करना है। तो फिर क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे जाना है एंड का ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको फिल एंड स्ट्रोक पे जाना है। तो यहाँ पे आपको जो है नीचे टाइप पे जाना है, टाइप पे आपको जाना है स्ट्रोक पे। स्ट्रोक यहाँ पे मैं जो है थीम के हिसाब से ऑरेंज कलर दूँगा, मैंने ऑरेंज कलर हम देते हैं इसको, ठीक है। अब इसकी जो साइज़ है मैं यहाँ पे रखूँगा 12, काफ़ी सही रहता है गाइस, तो यहाँ पे मैं 12 रख रहा हूँ। 12 रखने के बाद तो क्या करना है, अब इसको करना है अब टैप करना है फ़ोटो पे, तो ये खुद ही रिस्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस जो आपको ने बनाया है उसकी एक अलग लेयर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर जो एफएक्स पे जाना है, एफएक्स पे जाने पर स्टाइलिश में ग्लास में जाना है। ग्लास में आपको अमाउंट जो है वो 102 कर लेना है, 102। अभी आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं बता रहा जाओ इसमें ग्लो इफेक्ट नहीं चाहिए। फिर आपको यहाँ पर प्लस दबाना है और डुप्लीकेट लेयर कर देना है। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद आपको जो यहाँ पर दिख रहा है प्लस के पास में जो एक दिख रहा है डिब्बा जैसा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको लाइट लीनियर डॉज ऐड कर लेना है इस पर, ऐसे उसकी थोड़ा कम ले कर लेते हैं ऑप्टी, और एफएक्स पे जाना है और बेसिक पे जाना है, और यहाँ पे आपको पहला ही जो ब्लर ऑप्शन है उसको बढ़ा लेना है। सॉरी, जो पहले आपने बनाया था लेयर उस पर आपको करना है ये लाइटनिंग, उस पर आपको लाइटनिंग करनी है। सॉरी, मैं आपको शायद ब्लर करना है, हाँ यहाँ पर आपको ब्लर करना है। जो आपने नया बनाया था उस पर आपको लिमिट डोज कर लेना है। तो भाई ये देखिए आ चुका है ये ग्लो इफेक्ट, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा जो है आपने ग्लो इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक एफटी लेयर एक और बनाऊँगा, मतलब ग्रेडियंट पे जाऊँगा, और यहाँ पर मैंने कुछ बनाया है खुद ही जो कि इस तरह दिखता है, अभी खुद ही बना सकते हैं ग्रेडियंट। आपको सिर्फ ट्रांसपेरेंट रखना एक साइड, और देखिए यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पे आधा ऑरेंज, और यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपोसिटी आपको काम कर लेंगे इस बिल्ली, ज़्यादा कुछ कुछ खतरनाक नहीं है, सिंपल है काफ़ी। तो यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक की तो, और यहाँ पर मैं बनाऊँगा फ़ोटो क्लियर टेक्स्ट लाऊँगा यहाँ पे इस पर पिक्सल लैब में जो हमने बनाई थी टेक्स्ट वो लाऊँगा मैं, और रखूँगा मैं पहले टेक्स्ट को यहाँ पे, उसको साइज बढ़ा लेते हैं। तो गाइस इसमें आप यहाँ पे एक्स्ट्रा में जा सकते हो, तो आप पिक्सल पिक्सल बाय पिक्सल इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ठीक लग रहा है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट पिक्सल करना है इसको, सेलेक्ट पिक्सल में यहाँ पर मैं पहले कलर दूँगा ग्रेडियंट, तो हमारे थीम के हिसाब से मैं इसको कलर दूँगा, तो ब्लैक रहने देते हैं, वाइट में जो है दूसरे एंड पे जो है ऑरेंज लिखना है जैसा लाइट, और ये ब्लैक है वो थोड़ा तो नीचे कर लेना, ठीक है। अब लग रहा है अभी ठीक नहीं लगेगा, अभी इसमें कुछ और इफेक्ट करना है आपको।
यहाँ पे आपको जाना है ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो पे आपको डिस्टेंस जीरो करनी है और ब्लर जो है वो 20 कर लेना है, और फिर से एफएक्स पे जाना है और फिर से इस पर क्लिक करना है और अभी कुछ नहीं करना, सिंपली पिक कर लेना है। तो आप देख सकते थोड़ा सा जो हाईलाइट किया रहा है बना लेना है। तो अब क्या करना है आपको, आपको जाना है प्लस पे, प्लस पे आपको डुप्लीकेट करना है इसका, और डुप्लीकेट करने के बाद आप इसको न्यू एंड्रॉइज कर दीजिए। तो वैसे देख सकते हैं कि अब जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा टेक्स्ट। और हम एक दूसरा टेक्स्ट लाएंगे अब फोटो लेयर में जाके, विद हॉक ओपी जो हमने नया दूसरा टेक्स्ट लाया था उसको हम लाएंगे इस थंबनेल में इस तरह से। अरे इसको पिक्सल बाय पिक्सल इसको जो है एडजस्ट करेंगे, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, फिर आप इसको जो है पिक्सल बाय पिक्सल इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया, तो आप इसको भी हम थोड़ा सा जो है अलग इफेक्ट देंगे। तो अभी इसको हम ऑरेंज नहीं करेंगे, हम कुछ और देंगे इसमें ग्रेडियंट देंगे, ठीक है, ऑरेंज नहीं देंगे, हम देंगे इसको थोड़ा सा ग्रे टाइप का। और यहाँ पे आपको वही ड्रॉप शैडो जो है दो बार कर लेना है, तो वो पहले रह चुका होगा जीरो और ब्लर 20। तो फिर इसमें करना है आपको डुप्लीकेट लेयर और इसमें भी आपको लेजेंड डॉज कर लेना है, थोड़ा आपको जो है टेक्स्ट अब अच्छा दिखेगा। तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब तीसरा ऐप है, थोड़ा सा वो इसमें नीचे टच दे देता है, काफ़ी अच्छा लगता है, हमने इसे हम इसको डन कर लेते हैं, से पहले इसको सेव होने देते हैं। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है एरो सेव टू करके करना है, फिर आप पहले इस पर करना है ओके करना है, फिर आपका सेव हो चुका है। तो आपको अब तीसरे जाना है स्नैपचैट में, क्या बता सकते हैं यहाँ पर हमारे गेट में आ चुका है। तो यहाँ पर हम देंगे सिटुएट इफेक्ट देंगे पहले, ये अच्छा लग रहा है, उसको ठीक कर लेते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और शार्पनिंग को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और आप ट्राई कर सकते हैं कुछ, अगर आप कुछ और भी रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो है HDR में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा HDR का भी जो है थोड़ा सा मैं इसको टच करूँगा। हाँ अब देखिएगा काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा थंबनेल। तो अब इसको एक मिनट इसको ऐसे सेव करना होते हैं पहले। तो हो गया गाइस बस इतना ही आपको करना, तो आप देख सकते हैं कि आप काफ़ी जो है ओपी थंबनेल बना सकते हैं। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।